प्यारे साथियों, आज सभी का स्वागत करता हूँ अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में 2022 का पेपर का सॉल्यूशन देख रहे थे, तो इसका नोट्स आपको इस कोर्सेज में तो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ डियर, आपको कंटेंट तो मैंने बहुत अच्छा दिया है और हर बार कई सारे कैंडिडेट इस कंटेंट को लेकर पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे कंटेंट दे देने मात्र से आपका सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आएगा। अच्छा नंबर तब आएगा जब आप खुद से हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए कंटेंट, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हो या फिर नोट्स हो, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, खुद से पढ़कर नहीं समझेंगे, तब तक मैं कितना अच्छा भी कंटेंट दे दूं, आपका सेमेस्टर नहीं निकलने वाला। सेमेस्टर निकालने के लिए आपको अपने आप पे विश्वास और आपको खुद से मेहनत करना होगा, तभी चीज़ें पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। खैर, यहाँ पे हम क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं और आज का क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि शॉर्ट नोट्स बता लिखना है कैपेसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, फ्री कंस्टेंट और लॉफुल कंस्टेंट। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के तौर पे आपको दिया था, कुछ लोगों ने मेरे पास शेयर किया बट कुछ लोगों ने इसे शेयर नहीं किया। हो सकता है कि वो इग्नोर कर दिए होंगे, वो इग्नोर करना चाह रहे होंगे कि इससे क्या होने वाला है, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, होने जाने वाला है नहीं, बना के भेज दूंगा फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। खैर, लोगों की सोच को सैल्यूट करता हूँ, बट जिन्होंने भेजा उनको तहे दिल से शुक्रिया। ओके, तो कैपेसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज पार्टीज है ना, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी रेफर करता है लीगल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट। In order for contract to be valid, all parties involved must have the mental competence or legal capacity to understand or undertake the obligation of the contract. Capacity can be affected by various factors such as age, mental competence, intoxications, and certain legal disabilities. Minors, individuals with mental incapability, those under the influence of drugs or alcohol may lack of capacity to enter into the legally binding contract. Free constant एक essential elements होता है जो कि valid contract का part है। इसका मतलब होता है कि party जो होता है वो involve करता है और must entered into the contract willingly without any coercions, undue influence, fraud, misrepresentations or mistakes. Free consent ensure करता है that agreement जो है वो voluntary है और party fulfill understand समझ रहा है हमारा जो भी terms और implement करता है contract पे। If consent is obtained through improper means, if there are any defects is obtaining consent, अगर किसी तरीके का defects आता है तो उस condition में हमारा consent obtained होता है और वहाँ पे voidable हो जाता है at the option of the agreed parties. Lawful consent जो है ये obtained किया जाता है in accordance with the law और फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वैलिड होता है। द कंसेंट जो कंसेंट होता है ऑफ द पार्टीज मस्ट बी ऑब्टेंड फॉर द लॉफुल पर्पस एंड मस्ट नॉट इवॉल्व एनी इलीगल एक्टिविटीज, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज में। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन अनलॉफुल कंसेंट सच एज एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम और इंगेज इन फ्रॉड डूलेंट एक्टिविटीज, इट मे बी कंसिडर्ड वॉइड एंड अनफोर्सेबल बाई द कोर्ट।
है ना, कोर्ट के द्वारा अनफोर्सेबल या वॉइड कंसिडर किया जाता है। लॉफुल कंसेंट इंश्योर करता है डेट कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंटर्ड इनटू विद इंटीग्रिटी, यानी सत्य निष्ठा के साथ ईमानदारी पूर्वक जो इथिकल वे है उससे वो काम करेगा। विद लीगल स्टैंडर्ड्स, जो भी लीगल स्टैंडर्ड्स है उसके साथ कंपाइल करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टैक्स क्या होता है? तो एक ऐसा टैक्स होता है जो कि लीव्ड होता है ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे। द वर्क कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन और एनी अदर रिलेटेड एक्टिविटीज। जो टैक्स एप्लीकेबल होता है एनी कंट्रीज एंड डिजाइन टू इंश्योर डैट गवर्नमेंट रिसीव्स रेवेन्यू फ्रॉम सच कॉन्ट्रैक्ट्स, वो टैक्स हमारा कहलाता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स। इन कंटेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फर्म वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टैक्स वो अप्लीकेबल होता है वेन फर्म इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड बोथ गुड्स यानी मटेरियल और सर्विसेज यानी लेबर फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। टैक्स इज लीव्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर चार्जेज एंड एनी अदर चार्जेज रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन है, हाउ इट इज एप्लीकेबल टू द कंस्ट्रक्शन फर्म, कैसे एप्लीकेबल होता है? द स्पेसिफिक रूल्स एंड रेट्स ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री और ज्यूरिडिक्शन। इन सम केसेस टैक्स मे बी इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो टैक्स है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। वाइल इन अदर्स इट मे बी इम्पोज बाय द स्टेट और लोकल अथॉरिटीज, स्टेट या लोकल अथॉरिटीज के द्वारा भी कई बार ये इम्पोज किया जाता है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन फर्म, ये कंस्ट्रक्शन फर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और टू बी अवेयर ऑफ द एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स इन देयर ज्यूरिसडिक्शन। टिपिकली कंस्ट्रक्शन फर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्टिंग एंड रिमिटिंग द वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स टू द रेलिवेंट टैक्स अथॉरिटीज। द टैक्स अमाउंट इज यूजली डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर बाई द क्लाइंट एंड कंस्ट्रक्शन फर्म देन पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। It is advisable for construction firm to maintain proper records and documentation of their works contracts, including details of the goods and services provided, the value of contract and applicable work contract tax. This help, ये help करता है ये ensure करने में कि compliance with tax law and facilitates accurate reporting and payment of tax. As tax law and regulation can be complex and subject to change, it is recommended to consult with tax professional or seek guidance from the relevant tax authorities to understand the specific requirements and implementation of works contract tax for the construction firm in the particular jurisdictions. यहाँ पे simple आप ये मानो, है ना, simple भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो work contract tax ये क्या है? जब आप कोई काम करते हो, चाहे कोई goods या service provide करते हो construction में, fabrications के लिए या installation के लिए किसी भी activities में, तो आपको पैसा मिलता है और वो पैसा का कुछ पार्ट आप गवर्नमेंट को देते हो एज ए टैक्स के तौर पे, तो वो जो टैक्स कहलाता है वो कहलाता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स। यानी जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया उससे जो भी आपको पैसा मिला उस पैसा में से कुछ पैसा आप सरकार को दिए एज ए टैक्स के तौर पे, तो वो पैसा कहलाता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स। और ये अप्लीकेबल होता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कर सकता है
या स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई कर सकता है या कोई लोकल अथॉरिटीज के द्वारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स अप्लाई किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।